नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्नो व्हील्स में। मैं हूं आपका दोस्त अमन साड़ा और यहां पे बात कर रहे हैं सैमसंग गैलेक्सी M30s की। और ये फाइनल रिव्यू है और इसके अंदर बताने वाले हैं क्या सैमसंग गैलेक्सी M30s वर्थ रखता है कि नहीं। तो यहां पर अगर आप एक स्मार्टफोन देख रहे हैं जो आता है बड़ी बैटरी के साथ, अच्छी परफॉर्मेंस के साथ, साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि एक बढ़िया सी डिस्प्ले मिल रहा है और अच्छी खासी आपको साउंड क्वालिटी मिल रहा है, तो सैमसंग गैलेक्सी M30s इन पॉइंट्स पर खड़ा उतरता है। परंतु आप देख रहे हैं एक स्मार्टफोन जो आता है बढ़िया कैमरे के साथ, तो कहीं ना कहीं सैमसंग गैलेक्सी M30s मात खा जाता है। बात करें कैमरे में ऐसी क्यों दिक्कत है, तो यहां पर आपको ऑटो फोकस में दिक्कत देखने मिलेगी, कलर एक्यूरेसी में कभी कभार हमारे को चेंजेस देखने मिले हैं, साथ ही साथ यहां पे 48 मेगापिक्सल का जो कैमरा है वो ऐसा लगता है कि नॉर्मल सा कैमरा है, कोई ऐसा बड़ा कैमरा आपको देखने नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे को फोटो क्वालिटी में इतना मजा नहीं आया है। साथ ही साथ रेयर के अंदर आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं अल्ट्रा एचडी पे, तो आपको कोई वीडियो स्टेबिलाईजेशन भी नहीं मिलता, जो कि एक नेगेटिव चीज लगी है। यहां पे बात करें फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा देखने मिलता है, आउटडोर में अच्छी तरीके से वर्क करता है, परंतु इंडोर में आने के बाद वही थोड़ी बहुत दिक्कत आपको देखने मिलती है, फोटो क्वालिटी में वो पंच नहीं देखने मिलता है। यहां पर लाइव फोकस बहुत अच्छी तरीके से वर्क करता है दोनों तरफ और वो आपको एक अच्छा फीचर मिल रहा है। बात करें स्टेबिलिटी की, तो वीडियो स्टेबिलिटी गजब की मिलती है। अगर आप सुपर स्टडी मोड पर रखते हैं तो वहां आपको एलईडी फ्लैश नहीं देखने मिलता है और इंडोर में आपको वीडियो इतनी अच्छी नहीं देखने मिलेगी। बात करें यहां पर स्टडी मोड की, तो वो आपको अच्छा देखने मिलेगा, परंतु जितना अच्छा आपको सुपर स्टडी मोड मिलता है उतना खास आपको नहीं देखने मिलेगा। बात करें स्लो मोशन की, तो यहां पे स्लो मोशन दोनों अच्छे हैं और यहां पे जो सुपर स्लो मोशन है वो इंडोर में सही तरीके से वर्क नहीं करता है और वहां पे भी आपको दिक्कत देखने मिलती है। तो कैमरा अनसर्टेन है और हो सकता है कि आने वाले अपडेट्स में ये फिक्स हो जाए और आपको बेहतर क्वालिटी मिल जाए। तो यहां पर आप देख सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी M30s कुछ इस प्रकार से देखने मिलता है और यहां पर डिस्प्ले अच्छी मिल रही है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिल रही है, यहां पर आपको बैटरी लाइफ अच्छी मिल रही है, साउंड क्वालिटी अच्छी मिल रही है, परफॉर्मेंस अच्छी मिल रही है। तो अगर आप हमारे से पूछते हैं क्या सैमसंग गैलेक्सी M30s परचेस करने लायक है, तो अगर आप एक बढ़िया स्मार्टफोन देख रहे हैं जैसे हमने बताया बैटरी परफॉर्मेंस साउंड और डिस्प्ले के हिसाब से, तो सैमसंग गैलेक्सी M30s परचेस करने लायक है। परंतु आप एक कैमरे के हिसाब से स्मार्टफोन देख रहे हैं तो सैमसंग गैलेक्सी M30s मात खा जाता है। यहां पर बात करें क्या प्राइसिंग वर्थ रखती है, तो हमारे को कहीं ना कहीं प्राइसिंग ज्यादा लगी है, हो सकता है हमारे को लग रही है, परंतु आप बताइए कि आप क्या सोचते हैं, आपको क्या प्राइसिंग सही लगी कि नहीं लगी, कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। और यहां पे हमारी तरफ से सैमसंग गैलेक्सी M30s को थम्स अप है, आप परचेस कर सकते हैं और हो सकता है आने वाले टाइम में और चीज यहां बेहतर हो जाए और आपका एक्सपीरियंस बढ़िया हो जाए। तो अब आप बताइए क्या सोचते हैं और क्या आप सैमसंग गैलेक्सी M30s लेना चाहेंगे, तो कमेंट कीजिए और बताइए। साथ ही साथ बताइए कैसा लगा आज का ये वीडियो, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हो सके तो डोनेट करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई सवाल है, कुछ पूछना है, तो आप खुल के पूछ सकते हैं या फिर आपको कोई सजेशन देना है तो आप खुल के दे सकते हैं। यहाँ पे वीडियो बंद करने से पहले आपको एक और चीज बता दें कि ये जितनी भी आपकी बार रिकॉर्डिंग की है वो हमने की है ASUS के Zenfone 5G से और यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छा स्मार्टफोन है, इतना पुराना भी हो चुका है परंतु अभी भी आपको अच्छी क्वालिटी मिल रही है और अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। तो गाइस मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही था। मैं था आपका दोस्त अमन साड़ा, भारत माता की जय।